वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा डिजिटल हेडेंट के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिजिटल हेडेंट में किसी भी चैनल को अगर आप टीवी चैनल रेडियो जोनर में शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ऑटो सर्च करने के बाद भी टेलीविज़न चैनल जो है वहाँ से कभी हट जाता है, कभी गायब हो जाता है, या वहाँ से हट के रेडियो जोनर में चला जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप लोगों का सवाल आया था, ईमेल करा था बहुत लोगों ने। डेट्स वे टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि आज के वीडियो में आप बेसिकली बता दूँ कि आपके डिजिटल हेडेंट में अगर कोई वीडियो चैनल है और आप जब सर्च करते हो पर्टिकुलर LCN चैनल दिखता है, लेकिन जैसे बॉक्स को रिबूट कर देते हो या समटाइम लेटर चेक करते हो तो वो चैनल वहाँ पर उस LCN पर आपको नहीं मिलता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों आज के वीडियो में यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी चैनल का सर्विस टाइप किस तरीके से असाइन किया जाए, कि पर्टिकुलर चैनल टीवी जोनर में, टीवी का चैनल टीवी जोनर में शो करे और रेडियो चैनल रेडियो जोनर में शो करे। तो बेसिकली बता दूं, आप किसी भी कंपनी का मक्स यूज़ कर रहे हो, जब चैनल आप पास करते हो तो चैनल पास करते समय आपको देना होता है प्रोग्राम नंबर जिसे सर्विस ID कहते हैं, उसके बाद होता है सर्विस नेम नंबर जिसे चैनल नेम भी कह सकते हैं, उसके बाद आपका ऑडियो पीड है, वीडियो पीड है, PMT है, PCR है, एलिमेंट्री पीड्स है, और वहीं पर एक होता है सर्विस टाइप। किसी भी कंपनी का मक्स हो आप ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ पे सर्विस टाइप एक ऑप्शन दिखेगा, उस सर्विस टाइप बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चैनल को कैटेगरीज डिफाइन करने में। कुछ कुछ चैनल्स या कुछ मक्स में बाय डिफ़ॉल्ट 1 सेट करके भेजा रहता है ताकि कोई भी चैनल पास करो तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पीड ले लेता है एलिमेंट्री पीड को देखते ही। अगर एलिमेंट्री में ऑडियो वीडियो दोनों दिख रहा है इट मीन्स कि डैट पर्टिकुलर चैनल बिलोंगिंग फ्रॉम सर्विस टाइप 1। तो अगर ऐसा अगर कुछ मकसद में होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है, अगर किसी में अगर नहीं हो रहा है और आपके बॉक्स में जनरली चैनल गायब हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो उस चैनल का इशू है उस चैनल पे आपको जाना है, प्रोग्राम मॉडिफाई करना है, वहाँ पे सर्विस टाइप आपको चेक करना है। सर्विस टाइप अगर 1 है तो डेफिनेटली वो टीवी जोनर में आएगा, अगर सर्विस टाइप 1 नहीं है तो ऑफकोर्स वो वेरिएशन करेगा, कभी रेडियो में चला जाएगा, कभी टीवी में जाएगा, यानी कि पूरे नेटवर्क में ट्रैवल करते रहेगा। जो स्टैंडर्ड जो वीडियो चैनल्स के लिए सर्विस टाइप 1 होता है, रेडियो चैनल के लिए सर्विस टाइप 2 होता है, कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 0 रहता है तो कभी टेलीविज़न में मतलब टीवी चैनल में शो करेगा, कभी रेडियो चैनल में शो करेगा। तो बेसिकली आज मैं लाइव आपको मक्स पे ले जाके दिखाऊंगा, दो डिफरेंट मक्स पे, दोनों मक्स पे आपको सर्विस टाइप मिलेगा, तो किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, किस तरीके से चीज़ें की जाती है मैं आपको अभी आपको डेक्सिम के 328 क्वैम पे और मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूँ सर्विस टाइप कैसे चेंज करते हैं। बेसिकली किसी भी चैनल को आप ले लीजिए, इसमें मॉडिफाई प्रोग्राम पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको दिखता है सबसे पहले प्रोग्राम नंबर डेट इज़ कॉल्ड सर्विस ID, फिर प्रोग्राम नेम मिंट्स हो गया आपका जो चैनल का नाम है, यहाँ पे PMT, PCR और यहाँ पे सर्विस टाइप देख सकते हैं। सर्विस टाइप अगर 1 है तो ये ऑटोमेटिकली टीवी का जो चैनल है यानी वीडियो चैनल के जोनर में दिखाएगा, अगर यहाँ पे सर्विस टाइप अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये जो चैनल है ऑटोमेटिकली आपका चला जाएगा रेडियो में। तो बेसिकली टीवी चैनल है डेट्स वाई यहाँ पे 1 किया हुआ है, अगर आप इसे चेंज भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है तो रेडियो में चला जाएगा। साथ ही इस जेनर में STS में आप मेरे रेडियो चैनल को भी दिखा देता हूँ, अगर रेडियो चैनल किसी को मैं अगर मॉडिफाई करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं सर्विस टाइप यहाँ पे 2 है, यानी कि 1 सर्विस टाइप जो हमारा है टेलीविज़न चैनल्स के लिए है और सर्विस टाइप 2 जो डेटा है बेसिकली ये है हमारा रेडियो चैनल्स के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का मक्स हो यहाँ पे इसी तरीके से मॉडिफिकेशन करना होता है। मेरे पास एक और मक्स है, मैं वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ यूनिवे का मक्स, और इस मक्स पे भी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किसी भी चैनल को आप ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्विस नेम जो भी है, सर्विस ID, सर्विस नेम डालने के बाद लॉजिकल चैनल नंबर, डेट इज अनदर थिंग, सर्विस टाइप अगर यहाँ पे सर्विस टाइप 1 ही है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो चैनल रेडियो चैनल में चला जाएगा। कि डेट्स वाई हमेशा भी ध्यान रखें, जनरली बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस टाइप 1 ही लेता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में अगर 2 ले लिया हो तो वहाँ पे या 0 हो तो उस केस में 1 आके आप अपडेट करेंगे तो चैनल ऑटोमेटिकली आपका टीवी चैनल में आना। अभी आपने मेरे मार्क्स पे देखा कि सर्विस टाइप कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजिटल हेडेंट में। तो आप लोग के भी अगर हेडेंट में या आपके बॉक्सेस पे ऐसा इशू होता है तो सर्विस टाइप को मॉडिफाई करके उसे ठीक किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।